नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा एडमिशन सेशन 2020 से 2021 के अंतर्गत विभिन्न अपडेट्स जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिशन एग्जामिनेशन रिजल्ट के लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें एग्जाम फॉर्म 2020 से 2021 का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। 2020 से 2021 PG डिग्री की सूची एंड 2020 से 2021 UG की डिग्री सूची जिसका फॉर्म उपलब्ध है। सबसे पहले हम बात करेंगे PG डिग्री के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट एंड एंड डेट, कैटेगरी डिग्री सब्जेक्ट, स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट 15 जनवरी 2021 तक। एग्जाम फॉर्म भरने की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। इस तरह से हम यहाँ PG में जो फॉर्म अवेलेबल हैं उनके संदर्भ में हम यहाँ जानकारी ले सकते हैं, जिनकी 15 जनवरी 2021 तक डेट आगे बढ़ाई गई है। अब बात करेंगे हम UG के संदर्भ में। UG डिग्री की सूची जिसका परीक्षा फॉर्म उपलब्ध है, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट एंड डेट, तो हम देख सकते हैं 15 जनवरी 2021 तक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। इस तरह से हम यहाँ कैटेगरी डिग्री सब्जेक्ट स्टार्ट डेट एंड डेट के संदर्भ में आसानी से जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2020 से 2021, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। व्यू ऑल न्यूज़ एंड इवेंट्स पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। बीएड आईडी स्पेशल एजुकेशन की अस्थायी प्रथम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। विद्यार्थी अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 6 जनवरी 2021 अंतिम तिथि तक संबंधित संकाय या विभाग में जमा करवाएं। एमए सेमेस्टर फर्स्ट ईयर अस्थायी प्रथम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। विद्यार्थी अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 6 जनवरी 2021 तक संबंधित संकाय या विभाग में जमा करवाएं।
एलएलबी थर्ड ईयर की अस्थायी प्रथम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। विद्यार्थी अपनी फॉर्म की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 5 जनवरी 2021 तक संबंधित संकाय या विभाग में जमा करवाएं। एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमकॉम अकाउंटिंग की अस्थायी प्रथम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। विद्यार्थी अपनी फॉर्म की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 5 जनवरी 2021 तक संबंधित संकाय विभाग में जमा करवाएं। एमबीए एफएम की अस्थायी प्रथम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। विद्यार्थी अपनी फॉर्म की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 5 जनवरी 2021 तक अंतिम तिथि तक संबंधित संकाय विभाग में जमा करवाएं। तो यहाँ पर विभिन्न जो दस्तावेज सत्यापन है, डॉक्यूमेंट जमा कराने के संदर्भ में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अब बात करेंगे हम मेरिट लिस्ट को किस प्रकार देखा जा सकता है। क्लिक हियर फॉर पीजी, व्यू मेरिट लिस्ट एकेडमिक सेशन 2020 से 2021। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। एकेडमिक सेशन 2020 से 2021, सेलेक्ट कोर्स पीजी, यहाँ पर हम सेलेक्ट फैकल्टी आर्ट्स एमए फर्स्ट सेमेस्टर, या हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर की जो वरीयता सूची जारी की गई है उसके संदर्भ में हम यहां जानकारी ले सकते हैं। गवर्नमेंट एडेड सीट GAS, इसी तरह से हम सेल्फ फाइनेंस सीट SFS के संदर्भ में यहाँ जानकारी ले सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, परसेंटेज, पासिंग ईयर और बोर्ड डोमिशियल के संदर्भ में जानकारी मिल जाएगी। इस तरह से हम इनका आसानी से अवलोकन कर सकते हैं। इस तरह से हम जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जनसंचार, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशियोलॉजी की जो वरीयता सूची है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे हम बीएड आईडी स्पेशल एजुकेशन, December 30, 2020 डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम, एक्चुअल मार्क्स प्लस परसेंटेज वेटेज के संदर्भ में हम यहाँ जानकारी ले सकते हैं।
निम्न अभ्यर्थियों को अपने जो आवश्यक दस्तावेज हैं संबंधित संकाय में जमा कराने होंगे। इस तरह से इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसी तरह से LLB थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से हम इसे आसानी से डाउनलोड करके और देख सकते हैं। इस तरह से एक लंबी जो लिस्ट है वो यहाँ दी गई है। निम्न अभ्यर्थियों को अपने आवश्यक दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने होंगे। तो इस तरह से हम अपनी जो मेरिट लिस्ट है उसका अवलोकन आसानी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम डाउनलोड इनरोलमेंट सर्टिफिकेट। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। डाउनलोड यूजिंग फॉर्म नंबर एंड रोल नंबर। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म नंबर की। फॉर्म नंबर पर क्लिक करेंगे, फॉर्म नंबर फिल करेंगे, DOB सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड इनरोलमेंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके हम अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। रोल नंबर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, रोल नंबर फिल करने का ऑप्शन होगा। DOB सेलेक्ट करेंगे और इसके पश्चात हम डाउनलोड इनरोलमेंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी तरह की समस्या होने पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए RBSEV TechSM चैनल के माध्यम से अलग से व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण कर दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSEV TechSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।